इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीन काम शैतानी वसवसे में से हैं। पहला मट्टी का खाना, दूसरा अपने दांतों से नाखून चबाना और तीसरा दाढ़ी के बालों को दांतों से चबाना। याद रखना, जो इंसान ये तीन काम करता है तो अल्लाह के रिज्क और रहमत बरसाने वाले फरिश्ते उस इंसान से अपना रुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये तीन काम अल्लाह के नापसंदीदा कामों में से हैं। जब कोई इंसान इन तीन आदतों को अपनाता है तो अल्लाह के खास फरिश्ते उस इंसान के घर की तरफ अपना रुख नहीं करते और इस तरह वो इंसान अपने रिज्क में तंगी और बेसुकूनी की जिंदगी पाता है। ऐ लोगो, इन तीन काम को करने वाला दिमागी बीमारियों में मुब्तला होता है और इस तरह वो अपने हाथों से ही अपनी सेहत और खुशहाली तबाह कर बैठता है।